हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर्स, अभी बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो स्मॉल कैप्स में आपको पेनी के स्टॉक है, और साथ में ही वो आने वाले दिनों में वो आपको 100% तक रिटर्न दे सकता है और उससे भी ज़्यादा भी। तो चलिए मैं वैसे स्टॉक्स, ऐसे 10 स्टॉक्स का नाम बताऊंगा जो आने वाले कमिंग डेज के अंदर मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में ये रिटर्न दे सकता है। पहला स्टॉक है रिलायंस होम फाइनेंस। ठीक है, रिलायंस होम फाइनेंस को मैं पहला स्टॉक में रिलायंस होम फाइनेंस RHF है। देखिए, ये 5 रुपये मैं पहले से भी रिकमेंड करते आ रहा हूँ लगातार। ये देखिए, आप 1 ईयर में इसका रिटर्न आपको देखिएगा तो 131% का रिटर्न है। आपको इसको बाइंग करके होल्ड करना है। टारगेट आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से भी आपको 100% तक का रिटर्न के लिए आप होल्ड करना है। ठीक है, 100% तक के रिटर्न के लिए होल्ड करना है RHF को। देखिए, इतना ही क्वांटिटी बाई कीजिएगा ताकि अगर लॉस भी होता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बाई करके होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। 100% रिटर्न आपको इसके अंदर भी मिल सकता है यहाँ से। दूसरा स्टॉक क्या है? दूसरा स्टॉक है रिलायंस पावर। ठीक है, रिलायंस पावर में भी आप बाई करके होल्ड कर सकते हो। यहाँ से भी आपको करीबन 80 to 100% 80% तक के टारगेट के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्टॉक है, आपको हमने रुचि इन्फ्रा बताया था 9 रुपये के करीब में। रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर ये 9 रुपये 10 पैसे के करीब बताया था। अभी इसका टारगेट 12 रुपये 70 पैसे पर है। अभी भी इसको बाइंग करके होल्ड कर सकते हो। देखिए, 9 रुपये से लगातार अपसाइड में जा रहा है, और मेरा मानना है कि इसको बाई करके होल्ड करना है। टारगेट यहाँ से भी मुझे लगता है कि 20 रुपये से लेकर आपको 25 रुपये तक के टारगेट से 100% रिटर्न की एक्सपेक्ट हम यहाँ से भी कर रहे हैं। ठीक है, रुचि इन्फ्रा के अंदर। रुचि इन्फ्रा के बाद भी और भी स्टॉक हैं, जैसे कि एक 90 पैसे का स्टॉक है। उस स्टॉक का जैसे कि आप FCS सॉफ्टवेयर का, इस स्टॉक को भी बाइंग करने की सलाह है। देखिए ट्रेडर्स, एक महीने के, एक साल के अंदर, एक मंथ के अंदर अगर बात करते हैं तो 132%। देखिए लगातार क्या चार्ट पैटर्न है, लगातार अपसाइड में मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, 1 मंथ का, 1 ईयर का चार्ट देखिएगा ट्रेडर्स। तो यहाँ से इस स्टॉक के अंदर अगर लगातार अपसाइड में है तो इस स्टॉक को बाइंग करने की सलाह है और होल्ड करने की सलाह है ट्रेडर्स। यहाँ से भी ये मल्टी बैगर स्टॉक है। मार्केट कैपिटल देखिए 992 करोड़ का क्या मार्केट कैप वाला स्टॉक 6 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, वो भी IT सेक्टर की। सबसे बड़ी बात यह है, इस बात को थोड़ा भी हजम करने में दिक्कत हो रहा है कि 992 करोड़ मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वो ट्रेड कर रहा है आपको 6 रुपये पर। यहाँ से बाई करना है, जितना बाइंग करना है बाई कीजिए, होल्ड कीजिए ट्रेडर्स। आपको आने वाले दिनों में ये देखिए, एक अच्छा लॉस के बाद ये अच्छा कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, और मेरा मानना है कि इस स्टॉक को बाइंग करेंगे, होल्ड करेंगे तो आपका मल्टी बैगर क्या मैं कहता हूँ, 4 से करीबन 10 गुना से भी, 10 गुना से लेकर आपको 20 गुना तक इसके अंदर प्रॉफिट। मैं मतलब 100 रुपीज से अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका टारगेट FCS सॉफ्टवेयर का। चलिए, FCS सॉफ्टवेयर के बाद आपको बात करते हैं हम JP इंफ्रा के बाद और JP एसोसिएट की बात। JP पावर के अंदर भी अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पे 152% का रिटर्न दिख रहा है, और JP पावर को भी बाई करके होल्ड करने की सलाह है। टारगेट आपको 12 रुपये से लेकर 16 रुपये तक के टारगेट्स के लिए, और लॉन्ग टर्म अवधि में इसके 30 रुपये तक के टारगेट के लिए आपको होल्ड करना है JP जयप्रकाश पावर वेंचर के लिए। ठीक है, JP पावर के बाद बात करते हैं JP एसोसिएट की ट्रेडर्स। JP एसोसिएट जब नॉर्मल प्राइस पे था फिर भी मैं बोल रहा था बाई करने के लिए, अभी भी कह रहा हूँ JP एसोसिएट को बाई करें। एक साल के अंदर इस कंपनी के अंदर एकदम जबरदस्त रिटर्न दिया है, और मेरा मानना है कि यहाँ से भी JP एसोसिएट आपको पैसा अच्छा देगा, जो टारगेट आपको 18 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप रख सकते हो JP एसोसिएट। JP एसोसिएट के बाद बात करेंगे JP इंफ्रा की। ठीक है ट्रेडर्स, JP इंफ्रा के अंदर भी आप ये देख सकते हो, ये एक मंथ का टारगेट 76% है। मैं यहाँ से भी मानता हूँ कि आपको 10 रुपये तक के टारगेट्स के लिए बाई करना चाहिए JP इंफ्रा को। ठीक है, तो JP इंफ्राटेक और JP पावर और JP एसोसिएट, इन तीनों कंपनियों को बाई कर सकते हो। इसके बाद भी और भी स्टॉक है ट्रेडर्स, एक मिनट मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है। और अनिक ट्रेडर्स, इस स्टॉक को देखिए, इस स्टॉक को अनिक, और इस स्टॉक ने 10 रुपये से 34 रुपये तक आया है, और इस स्टॉक में अभी भी मैं मुझे लगता है कि आपको 50 रुपये तक के टारगेट के लिए 44 से लेकर 50 के टारगेट्स के लिए अनिक इंडस्ट्री जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप बाई करके रख सकते हो, मगर अपना सेल्फ स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,